आगरा जिले के प्रभारी मंत्री एवं डिप्टी सीएम धीरेन्द्र शर्मा सोमवार को शहर के विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के लिए आगरा आए। मीडिया से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम धीरेन्द्र शर्मा ने आगरा के विकास के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बूथ स्तर की बैठक और बाइक रैली की प्रशंसा की। महीने में कम से कम दो बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में बैठना और क्या क्या चीज़ें संगठन में गठित हुई हैं, कैसे कार्यक्रम हुए हैं, कैसे क्या हुआ है, या प्रशासनिक रूप में क्या सुधार हुए हैं, क्या शिकायतें हुई हैं, इनकी एक सामान्य समीक्षा इन 15 दिनों में 20 दिनों में होती है। और मुझे अच्छा लगा कि जो यहाँ पे कार्यक्रम थे, चाहे वो बूथ अध्यक्षों का एक तरीके से सम्मान समारोह हो, यहाँ पर कमल संदेश यात्रा हो, दोनों अच्छा निकला संगठन के तौर पर। और प्रशासन के तौर पर अभी मैं बैठ रहा हूँ, स्वच्छता के बारे में, परीक्षाओं के संदर्भ में और कुछ विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों के संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चा। सोमवार को सर्किट हाउस पहुँचे डिप्टी सीएम की कहने को तो विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक होनी थी, लेकिन बैठक के इंतजार में तमाम अधिकारी बैठक हॉल के बाहर ही इंतजार करते रहे और आगरा प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा अपने चहेतों के साथ बैठक कर आगामी कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। आगरा के विकास के लिए अभी तक एक ईंट भी नहीं रखी गई, लेकिन डिप्टी सीएम विकास करने का दावा कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के सवाल पर कहा कि श्रीराम मंदिर का निर्माण संवैधानिक रूप से ही होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करती आई है। टकराव करना ये विपक्ष का काम होता है, हमारा तो ठहराव और किसी भी चीज को करने के लिए हम पूरी तरीके से जो हमने वादा किया है जनता से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में हमने संकल्प पत्र में अपना दिया है और आज भी हम उस पर कायम हैं। ये बात अलग है कि लोगों को जल्दी इसका निपटारा हो, इसकी आशा जगी रही है और लोग समझते थे कि जल्दी माननीय न्यायालय से इसका निर्णय हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय से जो जल्दी जल्दी सुनवाई थी अब उसके आगे की डेट एक निश्चित हुई है। सरकार का दायित्व तो है कि जनता की जनाकांक्षाओं के आधार पर वो समय समय पर गुणदोष के आधार पर निर्णय लेती है, ये एक नीतिगत निर्णय है। सामूहिक रूप में सरकार बैठ के इस पर जो भी जनता के हित में विधिक कार्रवाई होगी वो करेगी। महागठबंधन और चौकीदारी चोर जैसे बयानबाजी पर डिप्टी सीएम विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि सभी विपक्ष ही एक हो जाएं फिर भी भाजपा ही जीतेगी। बीजेपी को खतरा होता तो बीजेपी अपने बल पर बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, कमल संदेश यात्रा, इतने सारे विकास कार्य केंद्र और प्रदेश के जो हमने किए हैं केंद्र और प्रदेश में विकास कार्य, उससे ये डरे हुए हैं और उससे डर कर ये गठबंधन की बात करते हैं। अगर हमने काम ना किया होता तो ये डरते क्या? तो ये अलग अलग मैदान ठोकते, ये सपा बसपा के लिए विरोध में आती और बसपा सपा के विरोध में आती। दोनों ने हमने काम किया है, इसलिए इन विपक्ष के लोगों में डर पैदा है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, माकपा या भाकपा, कोई भी। और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने काम के बल पर बिल्कुल हम निश्चिंत हैं। ये सब मिल जाए एक बार, हम ये मना रहे हैं और सब मिलके ये हारें, जिससे बार बार ये गठबंधन और महागठबंधन, लठबंधन या झूठबंधन सब खत्म हो जाए। ऐसा व्यक्ति आज आरोप लगा रहे हैं जिनके वहां 4 करोड़ से 400 करोड़ केवल एक साल के अंदर हो जाता है, जिनका पूरा खानदान जमानत पे चल रहा है, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं जिनकी मां आज भी टेम्पो पे चलती है, भाई पेट्रोल पंप पे और राशन की दुकान पर काम करते हैं, क्लर्कल से वो रिटायर हो जाते हैं, जिसका परिवार वो आज चोर हो गया और शाह वो लोग हो गए जिनका पूरा परिवार जमानत पे चल रहा हो और 4 करोड़ से 400 करोड़ बना लिए हों, वो आज आरोप लगाएंगे तो जनता इसका जवाब देना जानती है। जनता जानती है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश कुमार शर्मा के बयान से लगता है कि भाजपा हिंदुत्व और राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर आश्वस्त है कि जनता फिर भाजपा को आंख बंद करके मतदान करेगी। 7 न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।